ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की मूवी वॉर ने साल 2019 में बॉक्स ऑफिस पे तहलका मचा दिया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे ताबड़तोड़ कमाई की थी, साथ ही पर्दे पे ऋतिक रोशन और टाइगर की जोड़ी को भी खूब पसंद किया गया। वहीं कुछ वक्त पहले खबर आई कि वॉर की सफलता और फिल्म पठान से YRF स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत के बाद इसका सीक्वल वॉर 2 भी जल्द ही पर्दे पे दस्तक देगा और इसमें साउथ के सुपरस्टार जूनियर NTR की भी एंट्री होगी, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं शायद अफवाह साबित होती दिख रही है। हाल ही में जूनियर NTR से जुड़े सूत्रों ने ये बताया कि वो वॉर 2 नहीं करने वाले। रिपोर्ट्स की माने तो जूनियर NTR ऐसी किसी भी फिल्म में कदम नहीं रखेंगे जिसमें पहले से ही दो हीरो मौजूद हों। हैदराबाद में मौजूद जूनियर NTR के सूत्रों से जब वॉर 2 की कास्टिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप लोग क्या पागल हैं, जूनियर NTR ऐसी किसी भी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू नहीं करेंगे जिसमें पहले से ही दो हीरो मेन लीड में मौजूद हों। अब इन सूत्रों की बातों से तो लग रहा है कि जूनियर NTR ऋतिक रोशन की वॉर 2 का हिस्सा बनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वहीं वॉर 2 से जुड़े कुछ सूत्रों ने बताया कि अभी फिल्म को लेकर केवल आइडिया ही लगाया गया है, इसकी कोई भी स्क्रिप्ट तैयार नहीं है, तो कास्टिंग तो दूर की बात है भैया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने पहले से ही तय किया था कि वॉर 2 का डायरेक्शन अयान मुखर्जी करेंगे, लेकिन इन सबसे परे अभी तक वॉर 2 के आइडिया के अलावा फिल्म के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। वहीं अयान भी ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 और 3 पूरी करने के बाद ही वॉर 2 को हाथ लगाएंगे। ऐसे में ये तो तय बात है कि 2025 के आखिर तक वॉर 2 का कुछ नहीं होने वाला। अब ये खबर पक्की है या फिर वॉर 2 की प्लानिंग को पूरी तरह से सीक्रेट रखने के लिए मेकर्स की तरफ से ये कोई मास्टर प्लान है, आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइएगा जरूर।